मुंह पाखंड कराएगा, मुंह क्या कराएगा, पाखंड कराएगा, मुंह पर्दा डालेगा, और प्रेम क्या कराएगा, तुझे दिगंबर बनाएगा। दिगंबर का आभूषण है प्रेम। देख मुझे प्रेम है तुझसे, तेरे घर से, परिवार से, समाज से, माटी से, मां से, सबसे दिगंबर करता है प्रेम। प्रेम तुझे विदेही करेगा, और मोह तो तुझे ग्रसित करेगा विषयों से, मोह तुझे। प्रेम लेकिन क्या करेगा, परमहंसी की जान है, परमहंसी है। योगेश्वर का क्या है, योगियों का क्या है, प्रेम क्या है, आभूषण जैसे है, शक्ति है दिगंबर की। बोले यार दिगंबर का शक्ति क्या है, बोले प्रेम। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, ना किसी की अपेक्षा है। मोह तुम्हें बंधन में रखेगा और प्रेम तुम्हें बंधन में रह के बंधन से मुक्त कराएगा। मोह तुम्हें निर्भर करेगा किसी पर, आश्रित बनाएगा। मोह होगा जो निर्भर करेगा, और यदि वास्तविक में तुम्हारा प्रेम है तो वो तुम्हें आत्मनिर्भर करेगा। प्रेम आत्मनिर्भर बनाएगा, और यदि तुम्हारा मोह है तो निर्भर कर देगा तुम्हें, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कार्यक्षेत्र को आश्रित बनाएगा। तो मोह निर्भर कर बनाएगा और प्रेम आत्मनिर्भर बनाएगा। मोह भय से तुम्हें ग्रसित कराएगा, लेकिन प्रेम भय से मुक्त कराएगा। मोह तुम्हारी कमजोरी को प्रकट करेगा, और प्रेम होगा तो वो शक्ति को, देवत्व को प्रकट करेगा। मोह होगा तो वो द्रव्य और पदार्थ संसाधनों में आसक्त हो जाएगा, अविद्या की ओर जाएगा, मोह अविश्वास की तरफ ले जाएगा। लेकिन प्रेम होगा तो वो पुरुषार्थ की तरफ ले जाएगा, परमार्थ की तरफ ले जाएगा, सर्वार्थ की तरफ ले जाएगा। प्रेम तुम्हें विश्वास की तरफ ले जाएगा, लेकिन मोह तुम्हें अविद्या की ओर ले जाएगा, अविश्वास की ओर ले जाएगा, डर भय की ओर ले जाएगा, कामना और इच्छाओं की ओर ले जाएगा, द्रव्य पदार्थ साधन संसाधनों की ओर ले जाएगा। मोह है ना, मान प्रतिष्ठा की ओर ले जाएगा। और प्रेम, प्रेम होगा तो वो पुरुषार्थ की ओर ले जाएगा, परमार्थ से जोड़ेगा। प्रेम सर्वार्थ से जोड़ेगा, प्रेम विश्वास को प्रकट करेगा, प्रेम देवत्व को प्रकट करेगा। कारण प्रेम उस योगी और योगेश्वर की, गुरु और गोविंद की शक्ति है। प्रेम मेरी शक्ति है, वो प्राकट्य वैसा होगा। और मोह होगा, मोह शक्ति को प्रकट नहीं करेगा, आशक्ति को प्रकट करेगा। तो हमें इसमें समझ में आना चाहिए, दोनों में ही लगाव है, मोह में भी और प्रेम में भी। तो अंतर क्या, मोह भी करोगे तो उसमें भी लगाव आएगा, और प्रेम भी करो तो उसमें भी लगाव आएगा। लगन दोनों की है, मोह में भी लगन है और प्रेम में भी वो मगन है।